तो मैंने आपको अभी तक जो चीजें बताई हैं बच्चों, उसमें ऑपरेटर निकालना बताया, जी ऑपरेटर्स की मदद से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें तीन ऑपरेटर मैंने बताए, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस। और इन तीन ऑपरेटर्स को की मदद से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने ये तो भी थोड़ा बहुत आपको बताया। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आज मैं नया चैप्टर शुरू करना चाह रहा हूँ। आपको पिछले में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो बताइए, और अगर नहीं आ रही है तो फिर नई चीज शुरू कर। इंटरपोलेशन शुरू किया जाए फिर, क्योंकि मिसिंग टर्म भी यस सर, बता दी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बताना, बैकवर्ड डिफरेंस ये सब बता दिया है। तो बच्चों आज का जो चैप्टर हमारा होगा उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। विद इक्वल इंटरवल्स, इसका मतलब है कि एक और चैप्टर होगा जो अनइक्वल इंटरवल के साथ। तो इंटरवल्स अगर इक्वल हैं, आप ऐसे समझिए, इंटरपोलेट करने का मतलब है जो आपको डेटा दे रखा है उसी के बीच में कुछ अननोन चीज कहीं पर निकालना। जैसे पहले बात समझिएगा, ये ईयर है और ये इंडिया की पॉपुलेशन है करोड़ में, 1951 आजादी के बाद कुछ हो गया, मुझे नहीं याद है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि कुछ होगी जो भी है। अब 51 के बाद 1961 में भी कुछ होगी, 1971 में भी होगी, 1981, 1991, 1991 के बाद 2001 और 2011। कोविड की वजह से 2021 में जो सेंसस है जनगणना नहीं हो पाई अभी। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, जो ईयर है वो इक्वल गैप में है, इसका मतलब इस तरह के सवाल हमारे इस चैप्टर में आएंगे। ठीक हो गया, अब हम क्या निकालें इसमें। सपोज किसी ने पूछा कि 1956 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, तो बच्चों जो हम मेथड लगाएंगे जिससे हम निकालेंगे दैट इज इंटरपोलेशन, क्योंकि आप जो डेटा है उसी के बीच में कहीं कुछ निकाल रहे हो। अगर आप इस डेटा के आधार पर, ये डेटा है और आपको लगता है कि 2034 में हम चाइना को पछाड़ देंगे, दैट इज एक्स्ट्रापोलेशन। आपके पास जो डेटा है उससे आगे का निकाल दे रहे हैं आप, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रापोलेशन होगा। आपने कई बार सुना होगा कि इस सन इतने में भारत की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, तो दैट इज एक्स्ट्रापोलेशन, लेकिन वो आपके सिलेबस में यहाँ पर नहीं है। तो फिर आपके सिलेबस में क्या है, दैट इज इंटरपोलेशन, मतलब जो डेटा दिया है उसी के बीच में कहीं कुछ अननोन पूछा जाए। तो बच्चों इंटरपोलेशन क्या होता है ये समझा पाया मैं आपको? चलिए ठीक है, तो अब इसमें हमें निकालना होता है, तो इसमें कुछ फॉर्मूले। तो जो पहला फॉर्मूला है, मैं उसी की मदद से काम करूंगा पहले। तो इसको हम लोग न्यूटन ड्रेवरी मेथड कहते हैं, या न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन के दो फॉर्मूले हैं बच्चों, न्यूटन का काम बहुत ज्यादा है यहाँ भी। तो इक्वल इंटरवल वाला चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि इंटरवल बराबर बराबर दिया है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं और ये चैप्टर पूरा हो जाता है उन दो फॉर्मूलों में। तो लेकिन मैं इस बार फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको बता देता हूं, तो आप हेडिंग डालिएगा न्यूटन
ग्रेगरी, दो लोगों ने मिलकर काम किया है, फॉर्मूला फॉर फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। चलिए ये बताता हूं, ग्रेगरी एक मैथमेटिशियन रहे हैं। अगर ये प्योर मैथ्स की क्लास होती तो मैं ग्रेगरी का कंट्रीब्यूशन भी बताता आपको कई जगह, लेकिन मेरे ख्याल से इंजीनियर्स को इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप एक सी एक शब्द और है जो आपको परेशान कर सकता है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन क्या होता है? इसका मतलब है कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन भी होता होगा, जब फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड भी हो गई होगा। प्रिया आपका माइक ऑन है, प्रिया यस सर, आपको जरूरत नहीं है तो ऑफ कर दीजिए। ठीक, थैंक यू। अब ज्योति का माइक ऑन है, ज्योति आपका माइक ऑन है, प्लीज आप इसे ऑफ कर देंगे, थैंक यू। बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि मैंने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि फॉरवर्ड शब्द आया है तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन भी होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लो यही टेबल दे रखी है जो सामने लिखी हुई है, और मैंने इसमें 1956 में इंडिया की पॉपुलेशन पूछ ली आपसे, तो जो 1956 है वो टेबल के शुरू शुरू में ही आएगा ना, कहीं 61 से पहले ही आ जाएगा। वो टेबल की शुरुआत में ही अगर अननोन आ जाए तो फॉरवर्ड लगेगा। यहीं पर अगर मैं सन 2005 में इंडिया की पॉपुलेशन पूछता आपसे इसी टेबल के आधार पे, तो चूंकि मैं लास्ट लास्ट में पूछ रहा हूं तो वहां बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगेगा। क्या मैं समझा पाया क्या कह रहा हूं? यस सर। हाँ, अगर टेबल की शुरुआत में, बच्चों ये बिल्कुल एग्जैक्ट चीज नहीं है, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाई जाती है वो आपको अप्रोक्स सॉल्यूशन बताती है, एग्जैक्ट नहीं बताती। तो ये लगभग है कि यार सन 1965 में भी पूछेंगे तो फॉरवर्ड जैसा ही लगेगा, 1998 में पूछेंगे तो 1998 बैकवर्ड, हाँ बच्चों बैकवर्ड लगेगा। और ऐसे ही थोड़ा बीच बीच में जैसा पूछ लेंगे, जैसे 71-81 के बीच में, 77 में पूछ लिया जैसे इंडिया की पॉपुलेशन, तो फिर सेंट्रल इंटरपोलेशन भी लगेगा। आप कहेंगे ऐसे तो सर गड़बड़ हो जाएगी, पता लगा सेंट्रल की जो हमने फॉरवर्ड लगा दिया। कोई बात नहीं बच्चों, आपको नंबर मिल जाएंगे, इसीलिए सेंट्रल नहीं भी होता है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड समझ जाओ। अगर टेबल के आधे से पहले शुरू में आपके कोई अननोन पे पूछे है कोई वैल्यू तो आप फॉरवर्ड लगा दीजिए, और अगर बाद में पूछा है तो बैकवर्ड लगा दीजिए। बिल्कुल बीच में ज्यादा एक्यूरेट होना है तो सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूले भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलो खैर, अभी हम फॉरवर्ड समझ चुके हैं, तो अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आया कैसे वो निकालते हैं। चलिए ठीक है, तो ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, लेट एक्स की वैल्यू ये है, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, वेयर यहां पर एक्स की वैल्यू लिखते हैं, यहां आप स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी ना? नो सर। सुनिए हटिया आपने आप। अच्छा,
देखिए प्लीज, एच टी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। एच टी पहली वैल्यू को हम बच्चों ए बोल देते हैं, तो ये ए है। अगली वैल्यू थोड़ा सा गैप में, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच एंड सो ऑन, और लास्ट में ए प्लस एन एच। और एफ एच टी वैल्यूज टू एफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच एंड सो ऑन, एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ये हमारे कुछ वैल्यूज दे रहे हैं। तो अब हमें निकालना है, जैसे ये आपके पास कुछ वैल्यूज आई, तो जो न्यूटन ने एज्यूम किया वो हम करने जा रहे हैं। तो आप लिखिएगा हियर ये एज्यूम, अब पॉलिनोमियल एफ इट देख रही है। प्रियांशु रिठाड़ी, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ऑफ ठीक रही है। अच्छा बताइए, एक्स टी टोटल कितनी वैल्यू आई है, ऊपर कितनी लिखी है मैंने? एन एन प्लस वन वैल्यू है बेटा, जीरो से शुरू है ना, जीरो एच, वन एच, टू एच, थ्री एच, एन एच तक एन प्लस वन वैल्यू है। तो एन डिग्री की पॉलिनोमियल निकाली जा सकती है, ऐसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है, जहां पर मैंने मिसिंग टर्म बताई थी। तो फिर यहाँ एन डिग्री की पॉलिनोमियल हो सकती है, तो उसे ऐसे लिखते हैं, देखिएगा। सो एफ इट्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए थ्री। ध्यान से देखिए, पैटर्न पकड़िए, एक्स माइनस एक्स माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस टू एच प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में ए एन एक्स माइनस एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस टू एच एंड सो ऑन, एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन एच। इक्वेशन नंबर वन। आप यहां पर लिख लीजिए जो आपके कोफिशिएंट्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं। हियर ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू ए एन आर कॉन्स्टेंट्स। बच्चों टेलर थ्योरम पढ़ी थी, पढ़ ली कैलकुलस में? नहीं, ये वहीं से जुड़ी हुई चीजें हैं ट्री। तो थोड़ा कैलकुलस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपके लिए चीजें आसान हो। इस पूरे डेरिवेशन में अब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको ये इक्वेशन थोड़ा सा याद रखनी है, और स्मार्ट हार्ड वर्क है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मुझे पहले में खाली कॉन्स्टेंट है ए नॉट, फिर ए वन टाइम्स एक्स माइनस ए, फिर ए टू टाइम्स एक्स माइनस ए तो है ही, एक्स माइनस ए माइनस एच, ऐसे करते जाओ आगे। आप देखिएगा, लेट एक्स इक्वल टू ए इन इक्वेशन वन, वी गेट, आप ही लोग बताएंगे मुझे एक्स टी जो ए रखे क्या मिलेगा इक्वेशन वन में?
ठीक है। यस सर, सभी में यस सर, देखो बच्चों, पहली टर्म को छोड़ के सब में एक्स माइनस ए आ रहा है, फैक्टर है। तो एक्स टी जो ए रेड दौड़े तो सारे फैक्टर ब्रैकेट जीरो हो जाएंगे। तो फिर यहां से आपको ए नॉट पता लग गया कि जहां पर ए नॉट था एक्चुअली वो एफ ए है। बहुत बढ़िया, इसे ऐसे ही रहने दो। अब क्या रखें, एच टी अगली वैल्यू क्या है, ए प्लस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन वन, अब बताइए प्लीज क्या रखें। एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन, एच टी जो ए प्लस एच माइनस ए, आगे सब जीरो। सेकंड से आगे सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने, आप बच्चों ऐसे सोचो ना, आपने एच टी जो इस बार क्या रखा, ए प्लस एच, या फिर आप ऐसे सोचो एक्स माइनस ए माइनस एच बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो एक्स माइनस ए माइनस एच जहां जहां है वहां जीरो रख दीजिए। क्या मैं समझा पाया कि इतना ही रहेगा? यस चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें देखिए, ए वन इंटू एच कितना बचा, एफ ए प्लस एच माइनस ए नॉट। ए नॉट कितना है सर, बच्चों, याद है इसको क्या लिख रहे थे हम? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डेल्टा एफ ए, यही हुआ। आप कॉमन सेंस भी लगाएं तो भी यही करेंगे आप, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है। तो बच्चों यहां से ए वन कितना आ गया, डेल्टा एफ ए अपॉन एच, खुद ही अपॉन एच। ठीक हो गया। अब हमने ए नॉट निकाल दिया, एफ ए आया, ए वन निकाला, डेल्टा एफ ए अपॉन एच, या इंटू फैक्टोरियल वन भी कर सकते हो, क्योंकि बाद में फैक्टोरियल टू आ जाएगा। अब चलिए फिर करते हैं, लेट एट से इक्वल टू, अब अगली वैल्यू ए प्लस टू एच इन इक्वेशन वन, वी गेट एफ ऑफ ए प्लस टू एच इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन। एच सी जो ए प्लस टू एच रखोगे तो ए वन के साथ देखो क्या आया, ए प्लस टू एच माइनस ए प्लस ए टू, एक्स माइनस ए है तो ए प्लस टू एच माइनस ए, और ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एच, इतना ही बचेगा। जहां भाई इस बार आप क्या रख रहे हैं, एक्स की जो ए प्लस टू एच रख रहे हैं आप, तो एक्स माइनस ए माइनस टू एच जीरो होगा, तो बाकी आगे सब जीरो आ जाएंगे। तो ए प्लस टू एच माइनस ए नॉट एफ ए है प्लस ए वन इंटू टू एच प्लस ए टू इंटू टू एच इंटू यहां से एच। ए वन भी आपने निकाला है बच्चों ऊपर, तो यहां से ए टू इंटू टू एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आया बताओ, तो ए टू इंटू टू एच स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए माइनस ए वन इंटू टू एच
तो 2s तो ठीक है, a1 ऊपर लिखा है बच्चों, डेल्टा एफ ए अपॉन एच इंटू फैक्टोरियल वन। तो इसको आप लिख सकते हैं ई स्क्वायर एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच से एच कैंसिल होगा, टू टाइम्स डेल्टा टू क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है ई और डेल्टा में रिलेशन, किसी ने पढ़ा? पूरी क्लास में कोई नहीं। पूरी क्लास में कोई नहीं, एक भी नहीं। 2h स्क्वायर इंटू ए टू इक्वल टू, जरा एफ ए कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ई प्लस टू टाइम्स एफ ए। तो देखिए प्लीज, प्लस वन इंटू एफ ए, तो ये ई माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। ई माइनस वन को क्या बोलते हैं बेटा? वो लोग आप लोग तो खैर बता ही रहे हो कि आप कितना सिंसियरली पढ़ रहे हो, ठीक है? आप लोगों के जवाब भी जो आते हैं कभी कभार गलती से, उससे भी चीजें क्लियर होती हैं। तो आप लोगों का सिंसियरिटी लेवल लाजवाब है, चलो अच्छी बात है। आप लोगों का धन्यवाद कि इस बहाने मैं भी सीख ले रहा हूँ, चीजें रिवाइज कर लेता हूँ। बाकी आप में से कुछ बच्चे होंगे जो सिंसियरली पढ़ रहे होंगे, बाकी मेजोरिटी आप किस स्तर पे हैं वो लगता ही है, आपके जवाबों से भी पता लग जाता है। बाकी आपके जब भी म्यूट अनम्यूट होता रहता है फोन, उससे भी पता लग जाता है। तो प्लीज आप ये देखिए, खैर अब क्या कहें आपसे, आपकी जितनी तारीफ करें कमी है, कोई बात नहीं। ए नॉट देखिए एफ ए आया है, ए वन डेल्टा एफ ए अपॉन एच फैक्टोरियल वन है। आप देखिए बहुत बढ़िया, शाबाश। डेल्टा एफ ए अपॉन एच फैक्टोरियल वन, ए टू आया है ये डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन एच फैक्टोरियल टू। तो अभी साधर कोई मुझे ए थ्री बता सकते हैं क्या आना चाहिए? बेटा इसको डेल किसने पढ़ो, किसने कहा आपसे ये तो डेल्टा है, डेल तो उल्टा बनता है ऐसे, डेल तो आया ही नहीं है, डेल्टा है। तो ठीक है, फिर भी आपने आंसर सही बताया है, एंड सो ऑन। तो ए एन क्या होना चाहिए? डेल्टा टू द पावर एन एफ ए अपॉन एस टू द पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन। तो अब आपने ए नॉट ए वन ए टू सब निकाल दिया और कुछ नहीं है इसमें डेरिवेशन, आपने इक्वेशन वन याद रखना है बस, डेरिवेशन यहां से था। इक्वेशन वन अगर आपको याद है तो एट बार एच की वैल्यू ए रखो, एट बार ए प्लस एच, एट बार ए प्लस टू एच, और फिर इन जनरल लिख दो, बस हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये सब वन में रख दो, दिस इज द फॉर्मूला, बस हो गया। एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट था, मतलब एफ ए ए वन इंटू एक्स माइनस ए था, तो एक्स माइनस ए अपॉन एच फैक्टोरियल वन डेल्टा एफ ए प्लस एक्स माइनस ए
x minus a minus h upon h square into factorial 2 delta square f a plus and so on. Last my x minus a minus h और सीधे डेल्टा एन एफ ए रख दीजिएगा अपॉन एच एन फैक्टोरियल एन. इक्वेशन नंबर 2 ये आपका फॉर्मूला बना है. न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस इतना भी लिखे तो भी ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे तो थोड़ा सरल बना देते हैं इसको, ये थोड़ा कठिन हो रहा है. ऐसा करते हैं इसको आसान कैसे बनाए देखिएगा. लेट एक्स माइनस ए अपॉन एच को यू मान लीजिए, तो इसका मतलब जहां पर एक्स माइनस ए है वहां एच यू रख दीजिए, सिंपल लाइन है. अब देखो तो एफ एक्स पहला मतलब एफ एक्स का मतलब हुआ एफ ऑफ ए प्लस एच यू, ऐसे भी लिख सकते हैं. पहली टर्म तो एफ ए ही रहेगी, एक्स माइनस ए जो एच यू रखेंगे तो एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यू अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू डेल्टा एफ ए. अगली टर्म सॉल्व कर लीजिए, एक्स माइनस ए जो एच यू रख दीजिए तो ये यू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए. अगली टर्म इसी तरह से यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एंड. बस बच्चों हमने इसी को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ये सबसे सही फॉर्मूला है इक्वेशन 3. और मैं ये मान के चलता हूं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहां से ही आ जाना चाहिए. फॉरवर्ड ही हम ज्यादातर पढ़ते हैं, मैं दोनों बताऊंगा लेकिन फॉरवर्ड के चांसेस ज्यादा है. तो अब आप लोग ये बताइए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला समझ में आया, या कोई स्टेप ऐसा है जहां पर नहीं आया तो बोलिए प्लीज. किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है प्लीज पूछिए. नहीं पूछना है चलिए ठीक है. तो ऐसा करिए प्लीज, 7:32 हो रहा है, 7:45 पे हम लोग दोबारा जुड़ते हैं और मैं इस पर एक अगले लेक्चर में इस पर एक दो या तीन सवाल बता देता हूँ कैसे लगाएंगे ये फॉर्मूला. अभी आपको नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे मैं अभी बताता हूँ. 7:45 पे जुड़िएगा प्लीज. थैंक यू. ओके.